अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। शब बारात बहुत ही करीब है। आप तमामी हज़रात को सबसे पहले शब बारात मुबारक हो। और इस मौके से मैं आप तमामी हज़रात के सामने एक डीपी बनाने का तरीक़ा लेकर के आया हूँ। आप आसानी के साथ खूबसूरत अपना डीपी बना सकते हैं और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी चाहे लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रत से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको क्या करना है, सबसे पहले इमेजर ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको जो है न्यू पेज दिख रहा है इस पर ओके करना है। इस पर ओके कर देने के बाद आपके सामने इस तरीके से चला आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है ये पेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है साइज़, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज़, इस पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे ऊपर 2000 है और नीचे जो है 1894 है, तो इसको भी जो है 2000 कर देंगे ताकि ये प्रोफाइल साइज़ हो जाएगा। यहाँ पे 2000 कर दिए। इसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। सेव कर दिए, अब ये साइज़ प्रोफाइल साइज़ हो गया। अब फिर यहाँ पर डाउन कर देना है। डाउन कर देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एड का ऑप्शन, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पर आपको एक सिंबल का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे एक गोल वाला जो दिख रहा है इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर लेने के बाद अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कलर का ऑप्शन, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पर आपको एक दिख रहा है टेक्सचर वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको फिर इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको बता रहा है गैलरी से लेना है या ऑनलाइन फ़ोटो लेना है, तो मैं गैलरी से लेता हूँ। जो चीज़ भी इसमें बाहर से इस्तेमाल किया जाएगा आपको जिप फाइल बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने ले लिया। इसको लेने के बाद ये इस तरीके से आया है, तो आपको इसको जो है ऐसे करके बढ़ा देना है। इसको इस तरीके से जो है इसको इस हिसाब से रहने देना है और यहाँ पे जो है डन कर देना है। डन कर देने के बाद क्या करना है, इधर आपको जो है डन कर देना है। डन कर देने के बाद क्या करना है, सबसे पहले यहीं से जो है इसका ताला लॉक कर देना है ताकि ये इधर उधर ना घिसके। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको चले आना है शेडो वाले ऑप्शन में और इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से इसका शेडो जो है बढ़ा देना। इसका शेडो मैं 70 पे रख लेता हूँ और इसका कलर जो है बिल्कुल ब्लैक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये इस तरीके से हो गया। इस तरीके से होने के बाद अब यहाँ पे स्ट्रोक भी है, स्ट्रोक भी थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। इस तरीके से जो है इसका थोड़ा सा स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक इसका मैं 50 पे रख लेता हूँ और यहाँ पे जो है कलर वाला ऑप्शन ये जो दिख रहा है इस पर चलाना है। इस पर चले आने के बाद इसका जो है पूरे इसको इधर कर देना है, ये हो जाएगा वाइट। यहाँ से डन कर देते हैं। डन कर देने के बाद आपको इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन में चले आना है। इस वाले ऑप्शन में चले आने के बाद इसको इस तरीके से करेंगे तो ये जो है साइड से कटा कटा हुआ जो लग रहा है ये छोटा हो जाएगा। इतना पे रहने देना है। इसके बाद जो है इसको फिर डन कर देना है। इधर चले आना है, यहाँ पे जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन में चले आना है। इस वाले ऑप्शन में चले आने के बाद इस पर ओके कर देना है और इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे जो है यहाँ पे वी सेंटर जो दिख रहा है इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देंगे तो ये जो है बीचों बीच हो जाएगा। बीचों बीच हो गया। अब इसका काम यहाँ तक का तमाम हो गया। अब इसमें जो है फ़ोटो वगैरह सब डालना है, बाहर से जो भी चीज़ इस्तेमाल होता है इस सब को यूज़ करना है। तो सबसे पहले एड वाले में चले आएंगे। एड वाले में चले आने के बाद यहाँ पे जो है इमेज वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से एक मैं मदीना शरीफ की तस्वीर ऑनलाइन लेता हूँ, जो आप भी ऑनलाइन आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे मदीना तो बहुत सारा जो है आपको मदीना शरीफ की तस्वीर मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने लिख दिया और डन कर दिया। ये पहले से मेरे में मदीना शरीफ की तस्वीर है क्योंकि मैंने मदीना शरीफ की तस्वीर के लाया था, तो मैंने आपके बताने के लिए मैंने इसको सर्च किया है और यहाँ पे मैं ये वाली तस्वीर को ले लेता हूँ।
इस वाली तस्वीर को ले लिया। अब जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद ये जो है इस पर ओके कर देना है ताकि ये अपने रियल साइज़ में चला आएगा। इसको इस तरीके से फिर बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको इस हिसाब से यहाँ पे रख देना है। इस तरीके से इतने पे रहने देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मास्क का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको एक शिप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है शिप स्टार दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से चला आएगा। तो आपको क्या करना है, ये सर्कल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से आप देख सकते हैं आ रहा है। तो आप जिसको चाहे सिलेक्ट करके जो है रखना चाहे जिसको उसको रख सकते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ और यहाँ पे जो है ये स्ट्रीम पे ओके कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ओके कर दिया। अब क्या करना है, इसको फिर से डन कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेदर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चले आने के बाद यहाँ पे रिडायल दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो है इस हिसाब से आप इसका जो है कम बेसी करना चाहे तो ये कम कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो है ये शेड दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है तो ये जो है नीचे का और मिट जाएगा। इसके बाद यहाँ से जो है इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर दूसरा पे जो है डन कर देना है। ये इस तरीके से हो गया। इस तरीके से होने के बाद इसको जो है यहाँ पे मैं इस हिसाब से बैठा करके रख लेता हूँ। थोड़ा सा इस हिसाब से इसको जो है बैठा करके रख लेना है। ये देख रहे हैं एकदम मालूम हो रहा है कि इसमें ये बैठ गया है, इसी में का है ये। इसको इस हिसाब से बैठा करके रख लिया। इसको बैठा कर रख लिया। अब क्या करना है, इसको जो है इस पर ओके करना है। इसका ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद एड वाले ऑप्शन पे आना है और फिर इमेज पे आना है और गैलरी से मैं कुछ इमेज वगैरह ले इसको ले लिया। इसको लेने के बाद इसको जो है इस हिसाब से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर रख देने के बाद क्या करना है, यहाँ पर फेदर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे रिटेल पे चले आएंगे और इसको जो है थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और यहाँ पे शेड पे चले आना है। शेड पे चले आने के बाद इसको बढ़ा देना है ताकि इसका कालापन जो है थोड़ा सा कम हो जाए। इसके बाद यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर यहाँ से डन कर देना है। फिर ये इस हिसाब से हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से बैठा करके रख लेना है। इसको बैठा करके रख लिए फिर यहाँ पर जो है डन कर देंगे। ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है झूमर वगैरह सब है। इसको यहाँ पे डन कर लिया। डन कर देने के बाद क्या करना है, फिर एड में चले आना। एड में चले आने के बाद फिर यहाँ से मैं एक बार से इमेज इस्तेमाल करता हूँ। इसको ले लिया। इसको लेने के बाद इसको इसी सब से रखना है। फिर फेदर वाले ऑप्शन पर आना है। फेदर वाले ऑप्शन पर आने के बाद रिडायल पर आना है। रिडायल पर आने के बाद इसको इस हिसाब से जो है रख लेना है। फिर क्या करना है, शेड पर चले आना। शेड पर चले आने के बाद इसको इतना सा जो है बढ़ा देना है। बढ़ा देने के बाद फिर इसको जो है डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर डन कर देना है। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इसको इस हिसाब से रख लेना है फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे जो है डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसका डुप्लीकेट कर लेना है और इसको इस हिसाब से जो है यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद यहाँ पे फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद एड पे चले आना है। एड पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से लिख लेता हूँ, तमाम आलम इस्लाम को शब बारात मुबारक हूँ। लिख लिया। लिख देने के बाद यहाँ पर जो है डन कर देंगे और डन कर देने के बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसका साइज़ जो है साइज़ पे आकर के इसको बड़ा कर देना है। इस हिसाब से इसको जो है 70 पे मैंने रख लिया और इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख देने के बाद ओके कर देंगे। फिर इसी का मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद इसमें जो है यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका एडिट कर देना है। तमाम आलम इस्लाम को तो यहाँ पर शब बारात लिख लेता हूँ। शब बारात लिख लिया, फिर डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसको इस हिसाब से बढ़ाना है और यहाँ पे फॉन्ट दिख रहा है, इसमें चला आना है। यहाँ पे चले आने के बाद इसका फॉन्ट मैं कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे कंधारा सुलुस ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया। ये जो है आपको इसी फाइल इसी ऐप के अंदर मिल जाएगा। फिर डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसको इस हिसाब से रख लेना है
और यहाँ पे आपको हर्फ वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जिस हर्फ की आप चाहें सेटिंग कर सकते हैं। ये बा लिखा हुआ है, इस पर मैंने ओके किया। इस पर ओके करने के बाद इसको जिस हिसाब से चाहूँ रख सकता हूँ। अलिफ को सिलेक्ट कर लिया। अलिफ को सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको इस हिसाब से इसको यहाँ पे रख लिया। हमज़ा और ता दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे जो है इस हिसाब से रख लेना है। इसके बाद इसको जो है डन कर देना है। इसको डन कर देने के बाद यहाँ पे रख लिए। फिर यहाँ पे रख लेने के बाद क्या करेंगे, इधर चले आएंगे। यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, कलर वाले ऑप्शन में चले आना है। कलर वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ से इसका जो है कलर कर देना है चेंज। ये कलर मैं ये कलर रख लेता हूँ और इसका थोड़ा सा और इधर जो है कर देता हूँ। इतना पे रख दिया। इसके बाद ओके कर देना। ओके कर देने के बाद फिर डन कर देना है। फिर स्ट्रोक में चलाना है। स्ट्रोक में चलाने के बाद इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद यहाँ पे चले आएंगे कलर पे और इसका जो है उजाला कर देंगे। ये इस हिसाब से हो जाएगा, ये इस हिसाब से हो गया। इसके बाद इसको डन कर देना है। इसको डन कर देने के बाद यहाँ पर जो है इसको रख लेना है। फिर ये तमाम आलम इस्लाम ऊपर जो देख रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसका कर लेना है कॉपी। इसका कॉपी कर लेने के बाद इधर लाना है और यहाँ पे एडिट कर देना है और इसमें लिख लेना है मुबारक हो। इसको आप चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं और इसका भी चाहें तो थोड़ा सा आउटलाइन कलर मैं दे देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। ये स्ट्रोक पे आना है और इसका जो है ये बढ़ा देना है। फिर इधर कलर पर चले आना है और इसको ओके कर देना है। ये इतना हो गया। फिर यहाँ पर इसका जो है शेड थोड़ा सा दे देता हूँ। इसको भी 10 पे कर देना है और इसका भी जो है उजला ही कर देता हूँ। फिर ओके कर दिया। इसको इसी हिसाब से रहने दिया। ये डन कर दिया। इसी हिसाब से ऊपर वाले का भी जो है थोड़ा सा आउटलाइन कलर दे देना है। स्ट्रोक 10 पे कर दिया। इसके बाद कलर में चला आया। इसके बाद इसको उजला कर दिया इधर। फिर डन कर दिया। इसके बाद फिर डन कर दिया। फिर शेड में चला आया। शेड में चले आने के बाद इसको भी 10 पे कर दिया। फिर यहाँ पर कलर में चला आया। फिर इसको भी इधर कर दिया। ये हो गया शानदार। फिर एड वाले ऑप्शन में चला आना है। एड वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ से आप कोई भी तस्वीर एक ले सकते हैं। मैं अपनी तस्वीर ले लेता हूँ। इस तस्वीर को ले लिया। इस तस्वीर को लेने के बाद इधर चले आना है। यहाँ पे कट फोटो दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो है रिमूव भी जो है ऑनलाइन भी है। इससे भी चाहें तो आप ऑनलाइन रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। तो इसका मैंने सेटिंग किया हुआ है, आप में शायद के ना हो तो इसका जो है सेटिंग आपको करना पड़ेगा। ये हो गया। इतना होने के बाद इसको मैं डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद यहाँ पे जो है स्ट्रीम कर देता हूँ। करने के बाद इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद जो है इसको जो है इस हिसाब से कर लेना है ताकि ये अपने साइज़ में आ जाए। यहाँ पर इसको रख लेना है। यहाँ पर इसको रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा थोड़ा सा और बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद क्या करना है, इस पर ओके कर देना है। तो ये इमेज इस हिसाब से जो है आ जाएगी। इस हिसाब से हो गया। इसके बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पे रोटेट पे ओके करना है और थोड़ा सा इसको जो है इधर घुमा देना है। इस हिसाब से इसको थोड़ा सा घुमा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसको इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको फिर फेदर वाले ऑप्शन पर चले आना है। फेदर वाले ऑप्शन पर चले आने के बाद डिटेल पे ओके कर देना है। डिटेल पे ओके कर देना है। डिटेल पे ओके कर देने के बाद यहाँ पे जो है ये रिड्यूस दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसको और बढ़ा देता हूँ। इसको पूरे 100 पे कर देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर डन कर, इसके बाद ये इस हिसाब से आएगा। इस हिसाब से इसको जो है ओके कर देना है और इसको इस हिसाब से यहाँ पर जो है रख लेता हूँ और डन कर दिया। इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर आपको एड वाले ऑप्शन पे चले आना है। एड वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे जो है टेक्स्ट पे जो ओके कर देना है। यहाँ से अपना आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। लिख लिया। नाम लिख लेने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस हिसाब से आएगा तो इसको जो है बड़ा कर लेना है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसको बड़ा कर लेने के बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट पर चले आना है। फ़ॉन्ट पे चले आने के बाद यहाँ से मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। ये वाला फ़ॉन्ट पे ओके कर दिया। फिर डन कर दिया। डन करने के बाद इसको जो है इस हिसाब से कर लेना है और साइज़ में चले आना है और साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देना है। इतना पे इसको रख लेना है।
इसके बाद फिर इधर चले आना है, यहाँ पे कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इस पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे मोर पे ओके कर देना है और इसको जो है थोड़ा सा इधर कर देना है, फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद स्ट्रोक पे चले आना है और इसका जो है बढ़ा देना है, 10 पे कर देना है। फिर कलर पे चले आना है, इसको कर देना है उजला और इसको इस हिसाब से रहने देना है। फिर यहाँ पे जो है आप शेडो पे चले आएंगे। शेडो पे चले आने के बाद इसका जो है शेड थोड़ा सा बढ़ा देना है। फिर कलर पे चले आना है। कलर पे चले आने के बाद इसको भी इसी हिसाब से रख देना है। फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद अब मैं इसका लिख लेता हूँ नीचे बरकती टेक। इसको यहाँ पे इस हिसाब से रख ले। इस हिसाब से रखने के बाद यहाँ पे फॉन्ट में चले आना है। फॉन्ट में चले आने के बाद यहाँ पे फेवरेट फॉन्ट है, यहाँ से मैं जो है ये रक्स फॉन्ट, ये मुझे अच्छा लगता है, इसको मैं रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद इसका कलर कर लेता हूँ और स्ट्रोक में चलाता हूँ और इसका जो है आउटलाइन कलर जो है बढ़ा देता हूँ और इसको कर लेता हूँ उजला। इसको इस हिसाब से रख लिया। इस हिसाब से रख लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर बाद एड में आना है। एड में आने के बाद यहाँ से कुछ मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा और कर लेता हूँ छोटा। आने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेना है, 500 पे इसको रख लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे कैचे वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर मैं यहाँ से जो है इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ। मैजिक पे ओके किया, ये किया, ये जो है बैकग्राउंड इरेज हो गया। इसके बाद डन कर देना है या स्ट्रीम पे ओके कर देना है। ऊपर कर दिया। ऊपर कर देने के बाद यहाँ पे इधर चले आना है। यहाँ पे शेडो दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा इसका शेडो बढ़ा देना है और इसको भी कर लेना है उजला ही, इस हिसाब से इसको रहने देना है और ओके कर देना। पेज पे चले आना है। पेज पे चले आने के बाद यहाँ पे बीजी फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड इसका मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये बड़ा हो गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइज़ में ओके करना है। साइज़ में ओके करने के बाद इसको 2000 रहने देना है। यहाँ पे फिर ऊपर जो है 1057 है, तो इसको फिर 2000 पे कर देना है, इस हिसाब से कर देना है। तो ये अपने साइज़ पे चले आया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आपके सामने लोगो बनके तैयार हो चुका है। बाद यहाँ पे जो है सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप जो है आसानी से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसको सेव करने के लिए ये वीडियो को देखना पड़ेगा, तब इसका लोगो नहीं आएगा। इस वीडियो को देख लेंगे, इसको ओके कर देता हूँ मैं। वीडियो चल रहा है, इसको पूरे देखना पड़ेगा, तब जा कर के इसका वाटर मार्क हटेगा। ये देखिए इस हिसाब से आ गया, इसको काट दिया, फिर ये जो है नीचे का वाटर मार्क हट गया। अब यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट टू गैलरी में ओके कर देना है, ये हो जाएगा सेव। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।